ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर टायर ब्लास्ट होने से एक कार अनियंत्रित हो गई और डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनियंत्रित हो गई एक कार और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है टायर ब्लास्ट होना। टायर ब्लास्ट हुआ और टायर ब्लास्ट होने के बाद चट्टान से जा टकराई। हादसे में 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, कार सवार 3 लोग घायल हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि खाई में कार नहीं गिरी, खाई में गिरने से बाल बाल ये कार बच गए। 3 लोग हालांकि जख्मी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बड़ा रिस्की काम होता है। बहुत सजग सतर्क होकर गाड़ी चलानी होती है, एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर टायर ब्लास्ट हुआ और ये ड्राइवर की ही सूझबूझ रही होगी कि दीवार की साइड पहाड़ी की साइड गाड़ी को मोड़ा गया और चट्टान से जा टकराई, वरना खाई में गिर सकती थी और जिंदगियां जा सकती थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर टायर ब्लास्ट होने से एक कार अनियंत्रित हो गई और डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनियंत्रित हो गई एक कार और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है टायर ब्लास्ट होना। टायर ब्लास्ट हुआ और टायर ब्लास्ट होने के बाद चट्टान से जा टकराई। हादसे में 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, कार सवार 3 लोग घायल हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि खाई में कार नहीं गिरी, खाई में गिरने से बाल बाल ये कार बच गए। 3 लोग हालांकि जख्मी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बड़ा रिस्की काम होता है। बहुत सजग सतर्क होकर गाड़ी चलानी होती है, एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर टायर ब्लास्ट हुआ और ये ड्राइवर की ही सूझबूझ रही होगी कि दीवार की साइड पहाड़ी की साइड गाड़ी को मोड़ा गया और चट्टान से जा टकराई, वरना खाई में गिर सकती थी और जिंदगियां जा सकती थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर टायर ब्लास्ट होने से एक कार अनियंत्रित हो गई और डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनियंत्रित हो गई एक कार और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है टायर ब्लास्ट होना। टायर ब्लास्ट हुआ और टायर ब्लास्ट होने के बाद चट्टान से जा टकराई। हादसे में 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, कार सवार 3 लोग घायल हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि खाई में कार नहीं गिरी, खाई में गिरने से बाल बाल ये कार बच गए। 3 लोग हालांकि जख्मी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बड़ा रिस्की काम होता है। बहुत सजग सतर्क होकर गाड़ी चलानी होती है, एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर टायर ब्लास्ट हुआ और ये ड्राइवर की ही सूझबूझ रही होगी कि दीवार की साइड पहाड़ी की साइड गाड़ी को मोड़ा गया और चट्टान से जा टकराई, वरना खाई में गिर सकती थी और जिंदगियां जा सकती थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर टायर ब्लास्ट होने से एक कार अनियंत्रित हो गई और डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनियंत्रित हो गई एक कार और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है टायर ब्लास्ट होना। टायर ब्लास्ट हुआ और टायर ब्लास्ट होने के बाद चट्टान से जा टकराई। हादसे में 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, कार सवार 3 लोग घायल हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि खाई में कार नहीं गिरी, खाई में गिरने से बाल बाल ये कार बच गए। 3 लोग हालांकि जख्मी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बड़ा रिस्की काम होता है। बहुत सजग सतर्क होकर गाड़ी चलानी होती है, एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर टायर ब्लास्ट हुआ और ये ड्राइवर की ही सूझबूझ रही होगी कि दीवार की साइड पहाड़ी की साइड गाड़ी को मोड़ा गया और चट्टान से जा टकराई, वरना खाई में गिर सकती थी और जिंदगियां जा सकती थी।